हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हो कि कूलिंग कैपेसिटी के जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि सभी ब्रांड्स की कूलिंग कैपेसिटी अलग होती है, लेकिन होते सारे 1.5 टन के एसी हैं या 1 टन का एसी है, लेकिन उसकी कूलिंग कैपेसिटी अलग होती है। अब डाइकिन के कोई मॉडल देख लो, उसकी कूलिंग कैपेसिटी अलग होगी। LG का कोई मॉडल देख लो, उसकी कूलिंग कैपेसिटी अलग होगी। हालांकि होंगे दोनों सेम टनेज के AC। तो ऐसा दोस्तों क्यों होता है और कूलिंग कैपेसिटी कम या ज़्यादा होने से फ़र्क क्या पड़ता है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा आपको और समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली कूलिंग कैपेसिटी लिखी क्यों होती है लेबल पे और उससे आप टनेज का पता कैसे लगा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादातर जो 1.5 टन के AC होते हैं वो 1.5 टन के होते ही नहीं हैं, वो कम होते हैं उससे। लेकिन बोलने में 1.5 टन ही बोला जाता है, क्योंकि 1.5 टन एक कैटेगरी है और पॉइंट्स का फ़र्क होता है सिर्फ, इसीलिए पूरा 1.5 टन ही बोला जाता है। लेकिन कूलिंग कैपेसिटी इसलिए मेंशन की जाती है कि कस्टमर कल को कोई ऑब्जेक्शन ना करे कि हमारा AC 1.5 टन का नहीं है, वो अंडर है उससे। तो इसीलिए कूलिंग कैपेसिटी बहुत ही स्पेसिफिकली लिखी होती है AC के लेबल पे भी, टेक्निकल लेबल पे भी और स्टार रेटिंग के लेबल पे भी। तो आप समझते हैं कि कूलिंग कैपेसिटी जो वाट में लिखी होती है उसका मतलब क्या होता है और उससे किस तरह से हम टनेज निकालते हैं। तो दोस्तों, आप ये सब समझो कि 1 टन जो AC होता है वो 12,000 BTU के बराबर होता है और 1 टन का जो AC होता है वो 3.5 KV का होता है, यानी कि किलोवाट का होता है, और 1 टन का जो AC होता है वो 3500 वाट का होता है। अब ये सब चीज़ें हो सकता है आपको कंफ्यूज कर जाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो गया ये। इस चीज़ को अगर आपको सरलता से समझना है तो मेरा ये वाला वीडियो देख लो आप, छोटा सा वीडियो है, अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको बहुत ही डिटेल में समझ आ जाएगा कि ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये किस तरह से निकलती हैं और किस तरह से कैलकुलेट होती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 12,000 BTU का 1 टन होता है, तो इसका मतलब हो गया कि 1.5 टन का जो AC है वो 18,000 BTU का हो गया और जो 2 टन का AC है वो 24,000 BTU का हो गया, और इसी तरह से टनेज बढ़ती जाएगी तो इधर से BTU भी बढ़ते जाएंगे। BTU भी मेंशन होता है ACs के ऊपर, वो मॉडल नंबर में होता है ज़्यादातर। आपने देखा होगा 1 टन का कोई मॉडल आप पसंद करो या देखने जाओ तो उसके मॉडल नंबर में 12 नंबर ज़रूर मिलेगा, तो वो 12 नंबर जो होता है वो 12,000 BTU को इंडिकेट करता है। इसी तरह से 1.5 टन का AC अगर आप कोई देखते हो तो उसके मॉडल नंबर में आपको 18 नंबर दिखेगा, 2 टन का पसंद करते हो या देखते हो उसमें आपको 24 नंबर दिखेगा। तो ये 12, 18, 24 ये BTU को इंडिकेट करते हैं, तो इससे हमें पता लग जाता है मॉडल नंबर से ही कि ये कितने टन का AC है। अब टन तो पता लग गया, लेकिन कूलिंग कैपेसिटी होती है वॉटेज में। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 1 टन 3500 वाट का होता है, तो 3500 वाट इज इक्वल टू 1 टन। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी लेबल के ऊपर 3500 वाट लिखा है कूलिंग कैपेसिटी के आगे तो इट मीन्स वो 1 टन का AC है, लेकिन अगर 3500 से कम लिखा है तो वो 1 टन का AC नहीं है, कुछ पॉइंट कम है। तो इसी तरह से 1.5 टन में होता है, जो 1.5 टन का AC होगा वो 5250 वाट का होगा। अगर 5250 वाट से कम लिखे हुए हैं कूलिंग कैपेसिटी के अंदर, इट मीन्स वो 1.5 टन का AC नहीं है, उससे कम है। इसको निकालोगे कैसे आप? तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया 3500 वाट होते हैं 1 टन में, इसी तरह से 1.5 टन में कितने वाट होते हैं ये निकालने के लिए अब क्या करेंगे, 3500 × 1.5 आपके सामने आंसर आ जाएगा 5250। अब मान लिया कि आपके पास कोई AC है वो 5100 वाट का है, यानी कि उसकी कूलिंग कैपेसिटी 5100 वाट है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 5100 / 3500, क्योंकि 3500 वाट एक स्टैंडर्ड हो गया ना 1 टन का, तो 5100 / 3500 और इज इक्वल टू आएगा आपका जो आंसर, वो हो गया आपके AC की एक्चुअल टनेज। इसी तरह से किसी AC पे 5050 वाट लिखे हुए हैं कूलिंग कैपेसिटी, तो उसको आप 3500 से डिवाइड करोगे तो आपकी एक्चुअल टनेज निकल आएगी।
आपने देखा होगा सभी एसीज अलग अलग कूलिंग कैपेसिटी के साथ आते हैं, तो उसका सीधा सा मतलब यही होता है कि वो अलग अलग टनेज के भी होते हैं। लेकिन 1.47, 1.48, 1.45 इस तरह से टनेज होती है, तो उसको एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया जाता है 1.5 टन, बट एक्चुअली वो अंडर रेंज होते हैं, लेकिन बोलने में उसको 1.5 टन ही बोला जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अंडर रेंज होते हैं तो क्या उसकी कूलिंग कम होती है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स का फ़र्क होता है। एक्चुअली जो कंप्रेसर डिज़ाइन किए जाते हैं वो बिल्कुल अब बिल्कुल वॉटेज या टनेज के हिसाब से नहीं हो सकते डिज़ाइन, तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास कोई गाड़ी है, वो 1000 cc की है, लेकिन एक्चुअली वो 1000 cc की नहीं होती है, वो 990 cc की हो सकती है, 998 cc की होती है, पूरे 1000 की नहीं होती कभी भी। इसी तरह से कोई इंजन 1500 cc का है, तो वो 1500 cc का नहीं होता, 1498 cc का होता है। आप बेशक चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन, आपको ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी। इसी तरह से आपके पास कोई बाइक है, स्कूटर है, वो 100 cc का है, 150 cc का है, तो वो एक्चुअली उतना नहीं होता है, उससे एक दो पॉइंट कम ही होता है। लेकिन एक राउंड फिगर बोलने के लिए इस चीज़ को बोला जाता है कि हाँ 1000 cc की गाड़ी है, 1500 cc का इंजन है, या 1.2 लीटर है, इस तरह से बोल दिया जाता है। इसी तरह से एसीज में भी होता है। अब मान लो 1.48 टनेज का कोई एसी है, तो उसको 1.5 टन ही बोला जाता है। अब 1.48 बोलेगा बंदा, तो लेने वाला जो कस्टमर है वो ही सोचेगा यार ये तो 1.5 टन का है ही नहीं, ये तो छोटा एसी है या कम है इसकी कूलिंग कैपेसिटी। तो कूलिंग कैपेसिटी बेशक कम होती है, लेकिन कूलिंग में कोई फ़र्क नहीं होता है, हमें पता भी नहीं लगता है बेसिकली कि कोई फ़र्क है उसमें, क्योंकि उसी हिसाब से वो सारी चीज़ें काम करती हैं, एक दो पॉइंट का कोई इतना मैटर नहीं करती हैं चीज़ें। आपको जब भी एसी लेना है, बस आप ये देख के लीजिए कि आप किसी भी कंपनी का एसी ले रहे हैं, उसका सर्विस सेंटर आपके आसपास होना चाहिए, ताकि आफ्टर सेल सर्विस में आपको कोई भी दिक्कत ना आए, और जो स्पेसिफिकेशन है एसी की वो सब चीज़ें प्रॉपरली देखें, और जो भी लेटेस्ट मॉडल हैं उन्हीं पे जाएं हमेशा, क्योंकि अगर आप कोई आउटडेटेड मॉडल ले लेते हैं तो फिर उसकी सर्विसेज वगैरह में या पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जाएं, लेटेस्ट मॉडल के साथ जाएं, ताकि 5-10 साल तक आपको कोई दिक्कत ना आए उस चीज़ से। तो होप सो आपको ये चीज़ प्रॉपरली समझ आ गई होगी कि कूलिंग कैपेसिटी क्या होती है और उससे हम टनेज कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सभी लोगों को पता लगे कि कूलिंग कैपेसिटी का और ये टन का फंडा क्या है, क्योंकि इतनी डीप नॉलेज कोई भी ना देता है और ना ही कोई देना चाहता है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी और उनके नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंचते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।